हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VAAIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब करते चलें, नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब पर प्रेस कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। शेयर करें अधिक से अधिक वीडियोज़ को, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है सभी को बराबर मिलती रहे, और पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अन्य प्रदेश की महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, में उनको सत्यापित न किए जाने के संबंध में। और दोस्तों, इस प्रकार से जो अन्य प्रदेश से शादी करके लाई गई जो महिलाएं हैं, विवाह करके लाई गई महिलाएं हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पर मान्य नहीं किया जा रहा और उन्हें एक अनरिजर्व या अनारक्षित कैटेगरी में ही माना जा रहा है। और यदि वे जाति प्रमाण पत्र से सिलेक्ट हो जाते हैं तो वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, आज हम इसी के संबंध में बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और महिलाओं ने विरोध किस प्रकार से किया है इस नियम का, रूल का, इसके संबंध में वह क्या तर्क देती हैं, उनके क्या विचार हैं और उनकी क्या व्यथाएं हैं, जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद दो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी, इंदर सिंह परमार जी जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और विनोद कुमार जी जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग में, वो इसके बारे में क्या तर्क देते हैं, किस प्रकार से सुधार की बात करते हैं, क्या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल करके सामने आता है या नहीं, इन सब के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता दूंगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, आपके सामने ये पेपर की कटिंग है और जिसमें जो मुख्य हेडिंग है वो है कि मापदंड में विसंगति, दूसरे राज्यों से ब्याह कर लाई गई बहुओं को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अवसर नहीं, जबकि उनके बच्चे माने जाएंगे पात्र। और उसके बाद में लिखा है बेटा बेटी भाई माँ पराई। दोस्तों, ये शिक्षक भर्ती का मामला है और शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक से प्रारंभ होता है। जब वेरिफिकेशन हुआ तो अन्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र होने की वजह से उनको अमान्य करार दिया गया और वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया। और दोस्तों, इसमें जो गवर्नमेंट का तर्क था कि ये मूल निवासी नहीं है मध्य प्रदेश की, इसलिए इनको बाहर किया जा रहा है और यहाँ पर दूसरे प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके संबंध में जब महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने तर्क दिया है कि जब हमारे पास आधार, मतदाता व राशन कार्ड, समग्र ID और प्रॉपर्टी में पूरे प्रदेश के नागरिक के रूप में हमारा नाम दर्ज है, प्रॉपर्टी में पति के साथ महिलाओं के नाम की रजिस्ट्री भी दर्ज है, उक्त महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं और सांसद, विधायक, पार्षद आदि के लिए वह वोट भी डालती हैं, इसके बाद भी सरकार उन्हें प्रदेश का नागरिक नहीं मान रही, ऐसा इसलिए कि जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनता है और उनके पिता दूसरे राज्यों से हैं, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं का चयन मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर हो गया है क्योंकि उनका जाति प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों अनियमितता की बात उन्होंने कही है। उसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि परीक्षा के समय तो नियम और शर्तें अलग बताई गई थी सरकार ने, तो ये भी आप देख लें कि इसके बारे में क्या बात है कि 2018 में हुई जो शिक्षक चयन परीक्षा थी उसकी विज्ञप्ति में लिखा था कि आयु सीमा और न्यूनतम अंक का नियम बाहरी राज्यों के आरक्षित वर्ग के प्रतिभागियों पर लागू नहीं होगा, यानी उन्हें सामान्य वर्ग की तरह खुली प्रतिस्पर्धा मतलब ओपन कैटेगरी का सामना करना होगा। मूल विज्ञप्ति में दो बार संशोधन भी हुए लेकिन दूसरे राज्य की महिलाओं को नहीं रखने का कोई नियम ही नहीं था। दूसरी अहम बात यह थी कि मध्य प्रदेश में विवाह के बाद पति के आधार पर हमारा मूल निवासी प्रमाण पत्र भी मध्य प्रदेश का बन गया है, इसलिए इन प्रतिभागियों ने सामान्य वर्ग की तरह ही ये प्रमाण पत्र लगाया है। फॉर्म जमा करने से लेकर परीक्षा लेने तक जाति प्रमाण पत्र सवाल नहीं उठाया गया, तो अब ये सवाल वेरिफिकेशन के समय क्यों उठाया जा रहा है, ऐसा कहना है उन बहुओं का, उन महिलाओं का जो कि अन्य प्रदेश से विवाह करके मध्य प्रदेश में आई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो है वो तर्क ये दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में साफ कह दिया है कि जाति जो है पिता के आधार पर बनती है और किसी भी आधार पर इसको मान्य नहीं किया जाएगा, और यदि महिलाएं अन्य प्रदेश की विवाह करके किसी दूसरे प्रदेश में जाती हैं तो वहां पर जाति प्रमाण पत्र पिता का रहता है, चूंकि
इसलिए उनको अनडिजर्व कैटेगरी का माना जाएगा और उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार से नौकरी में लाभ नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों इसके संबंध में पहले भी काफी केस लगाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हवाला सामने रख करके हर बार इसको रिजेक्ट कर दिया गया और इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि कुछ महिलाएं इसके बारे में क्या कहती हैं, उनके भी विचार हम जान लें। दोस्तों यहाँ पर संवाददाता ने काफी महिलाओं से बात की, लेकिन हम यहाँ पर कुछ प्रमुख ही महिलाओं के संबंध में बात करेंगे। तो आप देख लें, पहला है कि ज्योति सोनी है और ये राजस्थान की रहने वाली हैं और इनकी शादी जो है इंदौर में आकाश सोनी से हुई, ठीक है। उन्होंने वर्ग एक का एग्जाम दिया संस्कृत विषय से और उनकी रैंक 362 हुई और इनका जो है चयन हो गया। जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का नहीं होने से उनकी नियुक्ति होल्ड कर दी गई और उनका कहना है कि विवाह के बाद वे प्रदेश की नागरिक हो गई हैं और वे चुनाव में वोट डालने से लेकर के अन्य सभी सरकारी प्रमाण पत्र इंदौर में बनवा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको होल्ड कर दिया गया। इसी प्रकार से ये 32 रैंक के बावजूद गणित के शिक्षक के लिए अपात्र बता दिया गया। अब ये इनका नाम है दोस्तों अनीता कंवर है, महाराष्ट्र की थी ये और इनका विवाह हुआ सरदार पटेल नगर महू निवासी मुकेश से। उन्होंने गणित विषय के शिक्षक के रूप में पात्रता परीक्षा दी। मेरिट लिस्ट में उनकी रैंक 32 होने के बाद भी महाराष्ट्र का मूल निवासी बताकर उनको नियुक्ति नहीं दी गई और उनको वेरिफिकेशन की प्रोसेस से बाहर कर दिया गया। और इन्होंने भी यही कहा है कि भाई सब कुछ जब मूल निवासी है और भी अन्य सर्टिफिकेट हैं और वोट देने का अधिकार भी हमको मध्य प्रदेश में ही है, तो किस प्रकार से हमको नौकरी के लिए वंचित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, ऐसी कई संख्या में हैं जिनका कि जाति प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया गया और उनको वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से उन्होंने शिकायत की और जब मंत्री जी से इसके संबंध में बात की गई तो शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिए वो आपके सामने प्रस्तुत है। कि प्रश्न था कि प्रदेश में ब्याही दूसरे राज्यों की आरक्षित वर्ग की महिलाओं को शिक्षक की नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। तो उनका कहना है कि उनके जाति प्रमाण पत्र की वजह से दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। प्रश्न दो था कि जो विज्ञप्ति में ऐसी कोई शर्त थी ही नहीं, फिर ऐसा क्यों। नए नियमों के मुताबिक मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही ये नौकरी दी जा सकती है, ऐसा कहना है परमार जी का। अब उसके बाद अगला प्रश्न था कि मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर सामान्य महिलाओं को नियुक्ति दी है तो आरक्षित वर्ग से भेदभाव क्यों। तो उन्होंने कहा कि इस समस्या के निराकरण के लिए हमने कमेटी बनाई है और उसका निर्णय आने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगला प्रश्न जब उनसे पूछा कि शिक्षा विभाग के भर्ती के नियम ही दोषपूर्ण है तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इन शिक्षा विभाग के जो दोषपूर्ण जो भी नियम है उनको आगे आने वाली जो भी भर्ती आएगी उससे पहले सुधार कर लेंगे। अब इसी के संबंध में दोस्तों इन्होंने तो बिल्कुल अपना सीधा सपाट जवाब दे दिया है कि अगली भर्ती में ही आपको सुधार हो पाएगा, तो यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। अब दोस्तों विनोद कुमार जो कि अतिरिक्त सचिव हैं उनकी भी सुन लें। तो उन्होंने कहा है कि शादी के बाद जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश की नागरिक बनने वाली अन्य राज्यों की महिलाओं की नियुक्तियां क्यों नहीं दी जा रही, तो दोस्तों इन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसा किस विभाग में हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा किस विभाग में और क्यों किया जा रहा है ये मेरी जानकारी में नहीं। फिर उनसे पूछा कि शिक्षकों की नियुक्ति में ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उनका आंसर था कि इस मामले में क्या तकनीकी समस्या आ रही है वह शिक्षा विभाग ही बता सकता है और शिक्षा विभाग उन्हें राज्य का मूल निवासी नहीं मान रहा है जबकि विज्ञप्ति में ऐसी कोई शर्त नहीं थी, ये अगला प्रश्न पूछा गया। तो ऐसा है तो हमें इसका परीक्षण करने के बाद उचित मार्गदर्शन जारी करेंगे, लेकिन इसके पहल शिक्षा विभाग को ही ये पहल करना होगी। अब ये काम तो सामान्य प्रशासन विभाग का है क्योंकि दूसरे विभागों में भी ये समस्या आएगी तब आप क्या करेंगे, फिर ये प्रश्न पूछा गया। ये मामला समझे बिना या भर्ती नियम जाने बगैर मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों इंदर सिंह परमार जी अगली भर्ती में सुधार की बात करते हैं, वहीं पर विनोद कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव इनको पता ही नहीं है कि शिक्षा विभाग में ऐसा कुछ हो रहा है और आगे आने वाले समय में भी वह इसके संबंध में बोलने से कतराने की बात कह रहे हैं। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि अन्य प्रदेश की महिलाएं उनकी जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पर मान्य नहीं किया जा सकता और ऐसा केस कई प्रदेशों में भी लगाया गया, राजस्थान में, हरियाणा में, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी संभावना की स्थिति नहीं बनती, आगे यदि आने वाली भर्तियों में नियमों का संशोधन होता है तो तभी कुछ
कहा जा सकता है और तभी कुछ सुनवाई हो सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि महिलाओं के संबंध में जिन्हें शिक्षक भर्ती में वेरिफिकेशन की प्रोसेस से अन्य प्रदेश का होने के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया, वेरीफाइड नहीं किया गया। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।